इस वक्त देश और दुनिया में लोग मोदी को कितना पसंद करते हैं? मोदी का जादू कम हुआ है या फिर बढ़ गया है? क्या इस वक्त लोकसभा चुनाव हुए तो मोदी मैजिक चलेगा? इन सवालों के जवाब मिल गए हैं। मोदी फिर नंबर वन बन गए हैं। टेलीप्रॉम्प्टर विवाद के बीच इंडिया टुडे और सी वोटर का सबसे ताजा सर्वे आया है। इसे मूड ऑफ द नेशन कहा गया है। ये सर्वे बता रहा है कि मौजूदा स्थिति में लोकसभा चुनाव होने पर बीजेपी को फिर से बहुमत मिल रहा है। सर्वे के मुताबिक मौजूदा हालातों में चुनाव होने पर बीजेपी की लीडरशिप में एनडीए को 296 सीटें मिलती दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक यूपीए को 127 सीटें मिल रही हैं, जबकि अन्य दलों को 120 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं वोट शेयर की बात करें तो यहां भी एनडीए बाजी मारता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 40.7% वोट मिल रहे हैं, जबकि अन्य पार्टियों को 32% वोट मिल रहा है। वहीं यूपीए को सबसे कम 26.7% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वोट शेयर के लिहाज से यूपीए के लिए हालात अच्छे तो नहीं है, लेकिन ऐसे में भी उसके लिए गुड न्यूज ये है कि कम वोट शेयर होने के बावजूद उसकी सीटें उस हिसाब से सबसे ज्यादा है। अब बात पीएम मोदी के रिपोर्ट कार्ड की। आप सब जानना चाह रहे होंगे कि आखिर मौजूदा हालात में पीएम मोदी को कितने लोग पसंद करते हैं। तो मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक देशवासी प्रधानमंत्री के कामकाज से खुश हैं। सर्वे कहता है कि 35% लोग नरेंद्र मोदी के काम को बेहतर मानते हैं। वहीं 28% लोग देश में ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के कामकाज को अच्छा बताया है, जबकि खराब कहने वालों की बात करें तो मोदी के काम को खराब कहने वाले 12% लोग इस सर्वे में शामिल हैं। सर्वे के मुताबिक 15% लोग ऐसे हैं जिन्हें पीएम मोदी का कामकाज औसत दर्जे का लगता है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी कमी या नाकामी क्या है? सर्वे में ये सवाल भी लोगों से पूछा गया। इस सवाल के जवाब के मुताबिक 25% लोगों ने महंगाई को मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताया है। वहीं बेरोजगारी ने भी मोदी का पीछा नहीं छोड़ा। सर्वे के मुताबिक 14% लोगों ने बेरोजगारी को मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी माना है। देश में साल भर तक किसान आंदोलन चला। करीब 10% लोगों को लगता है कि किसान आंदोलन मोदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नाकामी है। मोदी के बाद कौन? अक्सर ये सवाल हर किसी के जहन में उठता है कि अगर बीजेपी की तरफ से मोदी पीएम चेहरा नहीं होंगे तो कौन होगा? इस सवाल का जवाब भी सर्वे में मिलता दिख रहा है। सर्वे में पीएम मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह सबसे आगे हैं। शाह को 24% वोट मिले हैं, तो वहीं 23% लोगों ने माना कि पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे उपयुक्त हैं। नितिन गडकरी सबसे शानदार मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। हर काम को समय से पहले और बेहतर करते हैं। 11% लोगों ने सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को भी मोदी का उत्तराधिकारी माना है। इस बीच मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स की रैंकिंग भी आ गई है। इस रैंकिंग में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाजी मार ली है। अमेरिका से जारी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने ये लिस्ट जारी की है। सर्वेक्षण में 71% अप्रूवल रेटिंग के साथ मोदी नंबर वन पर है। 66% अप्रूवल रेटिंग के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज दूसरे नंबर पर हैं, जबकि इटली के पीएम मारियो ड्रैगी 60% अप्रूवल रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं वर्ल्ड के 13 लीडर्स की लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन 43% रेटिंग के साथ छठे नंबर पर है। तो ये है मोदी का डंका, जो देश के साथ साथ पूरी दुनिया में बज रहा है। सारा जमाना नरेंद्र मोदी का है दीवाना। पिछले 8 सालों में मोदी की लोकप्रियता जरा भी नहीं घटी है, वो हर दिन हर साल बढ़ती जा रही है।